हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद पार्ट नंबर 5। सो लेट्स क्विकली गेट टू दी वीडियो। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 48। सो पेज 48 में आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज दी फर्स्ट पिक्चर एंड दिस इज दी सेकेंड पिक्चर। अब इस पिक्चर में आप देखोगे ये वाले जो प्लांट है, ये तो क्या कर सकते हैं, जैसे ही तेज हवा चलेगी हवा के साथ ही इधर उधर ट्रेवल कर सकते हैं। सो हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई। सो क्या आपने कभी कोई ऐसा सीड देखा है जो फ्लाई कर सके? सो देखो, ये आपने अपने घरों में काफी बार देखा होगा, यूजली इसको बुढ़िया के बाल बोलते हैं। यहाँ पे एक सीड होता है और बेसिकली ये क्या करता है, हवा के साथ फ्लाई करता रहता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल। देन वॉट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया? और हम लोग क्या है इसको यूजली बोलते हैं, वी कॉल इट बुढ़िया के बाल। नेक्स्ट है वॉट, सॉरी, लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग। अब जो भी हमारे वाले जो कलेक्शन था उसमें से कौन कौन से आपको लगता है ट्रेवल कर सकते हैं फ्लाई करके? फ्लाई करके वही ट्रेवल कर सकते हैं जो बहुत हल्के होंगे, है ना? सो आई थिंक सम ऑफ देम कुड ट्रेवल बाय फ्लाइंग, एग्जाम्पल क्यूमिन एंड एनीसीड। ये दोनों ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं, सो वो फ्लाई विंड के साथ ब्लो कर सकते हैं। नाउ लुक एट पिक्चर 2, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई। अब अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो ये सीड ऐसे है जो फ्लाई नहीं कर सकते, बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल और ऑन आर क्लोथ। अब ये क्या है, ये फ्लाई तो विंड के साथ तो फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ये देखो यहाँ पे एक एनिमल है ना, उसके फर पे चिपक गए या हम अगर उसके आसपास से निकले तो हमारे क्लोथ पे स्टिक हो सकते, तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से ट्रेवल कर सकते हैं, राइट? देन इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड। सो उनको एक फ्री राइड मिल जाती है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दी सीड्स? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रेल। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको रीड करते हैं, छोटी सी स्टोरी दे रखी है। This happened in 1948. 1948 की बात है। One day George Mestral came back from a walk with his dog. तो वो अपने डॉग के साथ वॉक पे जाता है और जब वापस आता है, he was amazed to find seeds sticking all over his clothes. तो वो देख के बड़ा शॉक होता है कि उसके पूरे क्लोथ पे सारे क्या हो रखे हैं, सीड्स स्टिक हो रखे हैं। And on his dog's fur, और उसकी डॉग के फर के ऊपर भी सीड सारे चिपके हुए हैं। He wondered what made them stick. तो वो सोचता है कि कैसे ये हमारे कपड़ों पे या डॉग के फर पे स्टिक हो गए। So he observed these seeds under a microscope. तो क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे उन सीड्स को देखते हैं। He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or फर। अब देखो उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तब उसको पता चला, मतलब नेकेड आई से विजिबल नहीं होगा, तो उसे रियलाइज हुआ कि उन सीड्स पे हुक टाइप के लगे हुए हैं जो कि आके हमारे कपड़ों में या डॉग की फर पे चिपक जाते हैं। दिस गेव मेस्ट्रेल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। वेलक्रो क्या होता है आपने देखा होगा ना, जैसे कुछ बैग्स होते हैं उसकी पॉकेट्स पे वेलक्रो लगा होता है, वो क्या होता है, बंद करने के लिए चिपक जाता है एंड देन आप उसको करोगे तो वो निकल जाते, तो ऐसे वो उसे वेलक्रो बोलते हैं, ठीक है। दिस गेव मेस्ट्रेल आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। तो उसने वैसा एक मटेरियल बनाया जो कि स्टिक कर जाए। वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मेनी थिंग। हमारे क्लोथ्स में होता है, क्लोथ्स की जो कैप होती है उसमें स्पेशली होता है उसके लिए, है ना, जैकेट्स वगैरह में होता है वो। देन क्लोथ्स में, शूज वगैरह में होता है, जो शूज आते हैं जैसे आप ये देख सकते हो जो सैंडल बना हुआ है, ये जो सैंडल होते हैं यूजली यहाँ पे क्या होता है, वेलक्रो होता है, जितना टाइट आपको चाहिए उतना बंद कर लेते हैं और वो इजिली खुल भी जाता है, राइट? देन बैग्स में होता है, बेल्ट्स में होता है एंड मेनी मोर। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। अब उन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, उनको नेचर से, ठीक है। सो दिस वॉज पेज नंबर 48। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 49। सो यहाँ पे सबसे ऊपर है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस हाउ दी सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन अलग अलग पिक्चर है। फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं एक स्क्वायरल है, तो उसने क्या किया, लेट सपोज उसने कहीं सीड पिक किया एंड अब वो कहीं भी जाएगी एंड अगर वहां पे वो ड्रॉप कर देती तो बेसिकली सीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया। सेम उसी तरह ये एक बर्ड है जो कि इसके माउथ में सीड है, वो अगेन वो फ्लाई करके कहीं जा रही है एंड वहां पे उसको ड्रॉप कर देगी, तो सीड ने एक जगह से दूसरी जगह
ट्रेवल किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सीड क्या हो रहा है, पानी के साथ फ्लो करके आगे जा रहा है कहीं। सो सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर रिप दे बर्स्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट। हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड? अब जो सोयाबीन पॉड होता है जब वो बर्स्ट होता है तो उसके सीड्स आर, जैसे अगर एक बेलून है, जब बेलून में हम क्या करते हैं, सारी अगर मान लो आपने टॉफीज फिल कर दी, तो जैसे ही वो बर्स्ट होता है तो वो टॉफीज फैल जाती है। तो उसी तरह से सोयाबीन का जो पॉड होता है जब वो बर्स्ट होता है तो उसके जो सीड्स है वो जगह जगह फैल जाते हैं, ठीक है। नाउ अब वो बोल रहे हैं हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड? तो यूजली आई डोंट थिंक आपने भी वो साउंड सुनी होगी। सो नो आई हैव नॉट हर्ड देयर साउंड। सो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो। थिंक वॉट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस होंगे। अब सोचो अगर सीड्स जो है वो स्प्रेड नहीं होंगे तो क्या होगा? So if seeds did not spread and remained at one place only, then they would fall under its parent tree. अब क्या होगा, उस tree से निकल के वहीं उसके नीचे आसपास ही गिरेंगे क्योंकि travel तो कर नहीं रहे। So that it would not get enough sunlight, water and hence the plant will not grow properly and they might die. अब देखो क्या होगा, उसका जो पेरेंट प्लांट है मतलब उसमें से जब सीड्स गिरे और उसी के ही पास गिर रहे तो वहां पे प्लांट्स ग्रो करने लग जाएंगे, लेकिन उस एक जगह पे इतने सारे प्लांट्स हो जाएंगे तो उन्हें जितने हर प्लांट को जितनी सफिशियंट सनलाइट चाहिए वो नहीं मिलेगी, जो प्रॉपर वाटर वगैरह सब चीजें चाहिए वो नहीं होगी एंड इवेंचुअली वो ग्रो करने बंद कर देंगे एंड दे माइट ऑल्सो डाई। देन हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। तो हम एक लिस्ट बनानी है जिसकी हेल्प से सीड्स जो है वो स्प्रेड करेंगे। सो सीड स्प्रेड बाय वॉटर, विंड, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस एटसेट्रा। सो इन सब की हेल्प से सीड्स जो है वो स्प्रेड करती हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हु केम फ्रॉम वेयर। सो कौन कहाँ से आया? हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट? तो क्या आपने अपनी लिस्ट में ह्यूमन्स को इंक्लूड किया है? बिल्कुल किया है। Yes, we also carry seeds from one place to another, knowingly or unknowingly. So, हम भी एक जगह से दूसरी जगह पे seeds को travel कराते हैं, knowingly या unknowingly. हम knowingly तो देखो, basically आपने seeds purchase करे अपने घर में plants लगाने के लिए, तो वो तो आप travel करा ही रहे हो, but unknowingly also कि हमारे साथ attach होके आ गए, ठीक है, read करते हैं. We bring these seeds of plant that we find beautiful or useful to grow them in our गार्डन। तो हम सीड्स परचेज करते हैं अपने गार्डन में ग्रो करने के लिए। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। अब उस प्लांट्स के भी जो सीड निकलने हैं वो भी दूसरी जगहों पे स्प्रेड करेंगे। मेनी इयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेम्बर दैट दीज प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हेयर अर्लियर। कभी कभी तो हमें याद भी नहीं रहता कि हम जगह पे देख के, मतलब ऐसा नहीं अपने घर पे, बट यूजली किसी जगह पे जहाँ हम डेली भी आते जाते हो, बट हम रियलाइज नहीं करते कि यहाँ पे पहले ही प्लांट नहीं था और अभी ग्रो होने लग गया है। दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स। कभी कभी वो कहीं और से आया होता है। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आर इंडिया कंट्री? सो अब हमारी कंट्री में चिलीज कहाँ से आई थी? दीज वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से कुछ ट्रेडर्स आए थे और वो फर्स्ट टाइम वो चिलीज हमारे इंडिया में लेके आए थे। टूडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। और चिलीज के बिना तो खाना पॉसिबल ही नहीं, खाने में थोड़े से मिर्च मसाला तो हम डालते ही हैं। नाउ रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। सो नाउ वी रीड द पोएम इन द नेक्स्ट पेज। सो नाउ दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट नंबर 5। इसके आगे के जो भी पेजेस है वील सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।